विनोद पवार जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन वो भी अपने अनुभव करके दो मिनट के लिए फटाफट संकीर्तन मंडली यहाँ पर हमारे योग मंगल दल समस्त ब्राह्मण समाज और बुजुर्ग युवा साथी कोई नहीं वैसे देते रहिए आप नाम जिनको बुला लिया इधर देखो इधर देखो इधर 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 आंटी जी इधर देखो साथ में हो देखो हमें विश्व को एक परिवार मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सुख की कामना करते हैं और आज अगर हर किस दौड़ में अपने माँ बाप से अपने सगे भाइयों से हम मुंह मोड़ने से बात नहीं कर पा रहे किसके लिए बात है मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि आपस में संवाद बनाए रखें और ऊंच नीच जात पात क्षेत्रवाद आशावाद से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा भारत सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत चीर चलाकर विश्व जगत के लिए जिस सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम कहा और सबसे सुख की कामना का मूल मंत्र दिया हमने सब में बस ये बटन खोल के देखना है कि क्या है उसको आत्मसात करके यहाँ से कुछ सीख के गए और अगर तो हमने सीख लिया तो हम सबसे पहले जो आने वाले समय में इस देश के और इस विश्व के कर्णधार हैं वो नौजवान और नौनिहाल उनको हम जरूर ये बात बताएं और शाम के समय हम बैठ के समय से घर में आए और समय से अपने बच्चों के साथ जब हम भोजन करेंगे जब हमारे अंदर संस्कृति और संस्कार रहेंगे तो जब हम अपने बच्चों के साथ बैठ के भोजन करेंगे पूरे दिल में उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया जब हम बैठ के बात करेंगे धर्म की बात होगी सत्संग की बात होगी संस्कृति की बात होगी संस्कारों की बात होगी तब मैं समझूंगा कि यहाँ पर कथा सुनने का औचित्य और इस कथा करने वालों का और आचार्य संतोष खटूर जी ने जो 11 दिन जो इन्होंने पढ़ा जो शिक्षा का वेदों का संस्कृति का अध्ययन करके जो विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर आए तब हमारा यहाँ बैठना सार्थक हुआ नहीं तो हम यहाँ आए कोई ना कोई किसी भाव से कहीं ना कहीं किस लिए अपने आप में मस्त है किस लिए मस्त है इस साधन संसाधन के और भौतिकवाद के अत्यधिक सुख के कारण उनको हमारी आवाज आनी चाहिए क्योंकि उनके बिना सहयोग के ये आज महाशिवपुराण का भंडारा पूरा नहीं हो पाता मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथ में बैठे हमारे बड़े भाई का जिन्होंने हमारे एक अनुरोध पर अपना सारा काम छोड़कर हमारे बीच में आए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं जरूर होगा एक बार जोरदार ताली भाई जोगिंदर पुत्री जी के मैं उनका एक और अनुरोध है देखो वो सिर्फ पूजा पाठ में नहीं हमारे भाई जी